कभी कभी आप देखा गया ये जितने बच्चे हैं ना इनके पाँव में जूते नहीं है, तो मैं अपनी पॉकेट मनी से जो मैं अपने जेब में लाया था, तो यहाँ से आगाज़ कर रहा हूँ कि क्यों ना गरीबों के बच्चों को अच्छी किस्म के जूते पहनाए जाएं। आप अगर यूरोप से ख़रीद कर देंगे तो वो जूते यहाँ पहुँच जाएंगे, मनी देंगे तो वो जूते भी इस थर के इलाके जो गरीब लोग हैं तो उनको पेश करते हैं। तो अभी मैं जो है, और ये बच्चा इसके भी जूते नहीं है, तो ये जाकर जूते जो है वो खरीद लेंगे, और बकिया फिर हम इंशाल्लाह ताला ये जूते जो है इनके, क्योंकि ये रेतला इलाका है, कांटे बहुत ज्यादा है, तो ये देखिए कांटे बड़े सख्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हो गया नहीं ये वाला, और कोई है? हो गया, अच्छा ये भी है। ये तो ये जूता जो है इंशाल्लाह ये खरीदेंगे और जूते पहनेंगे, यहाँ कांटे बड़े सख्त है, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम इन गरीबों के लिए जूतों का, कपड़ों का और घरों का इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। मुझे उम्मीद है आप हज़रात इस तहरीक में मेरा साथ देंगे। आप लोग पैसे खर्च करते हैं, आम लोगों को देते हैं हज़ारों में, वो तवीज़ धागे करते हैं उस पर आप जाकर परेशान होते हैं। आइए अल्लाह की रहमत को पुकारिए, इन गरीबों की मदद कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इन गरीबों के सदके आपकी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका जरूर अता फरमाएगा। ये एक तहरीक है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग बसते हैं जिनके बिचारों को, देखें ना ये रेत है और कांटे बड़े सख्त हैं और ये नंगे पाँव फिर रहे हैं, कांटा चुभेगा। तो आइए इन गरीबों के बच्चों को आप कपड़े भी और इनको जूते भी जो है वो मुहैया करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन में, ये जो तंजीम है केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन, जिसमें हमने केयर भी करनी है रिलीफ भी देना है, आप हजरात मेरा साथ देंगे, इंशाल्लाह आपकी अमानतें हकदारों तक पहुंचे। मकान हम ये नहीं कि बड़े रोड के किनारे बना दिए और फिर गरीबों को कहा कि वहां आओ, कोई भी नहीं जाएगा। तो जहाँ गरीब बसते हैं उनकी बस्तियों में मकानात बनाए ताकि वो अपनी जगह पर रहते हुए, तो यहाँ इंशाल्लाह मॉडल विलेज बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे और आपके कम से कम अखराजात से बनाएंगे, और फिर ये गरीब लोग अपने घरों में जब रहेंगे तो फिर देखिए कि सलाम का नूर किस तरह फैलेगा। बहुत शुक्रिया।